नमस्कार दोस्तों, उम्रलुक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जिले के चार आंगनवाड़ी केंद्रों में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत दोस्तों जो शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है न्यूनतम 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं पास मांगा गया है। तो मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि ऐसी ही काम की वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। विज्ञापन जारी किया गया छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जिला बेमेतरा के चार आंगनवाड़ी केंद्रों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए आप लोग 20 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकते हो। आगे पढ़ते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत एकीकृत बाल विकास परियोजना बेरला में चार आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है, जो अंतिम तिथि है आवेदन करने का 20 जुलाई 2022 निर्धारित किया गया है। परियोजना अधिकारी बेरला ने बताया कि आवेदन पत्र सीधे अथवा डाक के माध्यम से परियोजना कार्यालय बेरला में कालीन समय 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आप लोग आवेदन पत्र जमा कर सकते हो वहां पर स्वयं जाके, या तो आप लोग डाक के माध्यम से दिए गए पते पर भेज सकते हो। इन पदों के लिए जो आयु होना चाहिए 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक, 1 वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता सहायिका सह सहायिका को आयु सीमा में 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को 1 वर्ष या इससे अधिक का कार्य अनुभव है तो आप लोगों को 3 वर्ष का आयु सीमा में छूट दिया जाएगा। और जो सेवा की अधिकतम आयु सीमा होगा वो 62 वर्ष रखा गया है। और जो भी इच्छुक आवेदिका इन पदों के लिए आवेदन करेंगे वे ग्रामीण क्षेत्र में उसी ग्राम की स्थानीय निवासी होनी चाहिए जिस ग्राम में आंगनवाड़ी केंद्र के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों अगर आप लोग आवेदन करते हो तो उसी ग्राम के निवासी होना चाहिए जिस ग्राम के लिए जो आंगनवाड़ी केंद्र में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। और दोस्तों इन पदों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 12वीं पास या फिर 11वीं बोर्ड उत्तीर्ण होना चाहिए, आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, अगर आप लोग योग्यता रखते हो तो आप लोग इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर डिटेल से बताया गया है कि कौन कौन सा आंगनवाड़ी केंद्रों में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। और दोस्तों अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, जैसे कि आप लोगों को आवेदन पत्र कहां से प्राप्त होगा, प्रतिमा कितना वेतन दिया जाएगा और अन्य जानकारी, तो आप लोग महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत एकीकृत बाल विकास परियोजना बेल्ला में जाके इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और इस विज्ञापन से संबंधित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि हम आप लोगों के सवालों का जवाब दे सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।